एक कंस्ट्रक्शन ग्रुप काम कर रहा होता है। फिर हम इनके सुपरवाइजर मिस्टर चेन को देखते हैं, जिसे एक वर्कर बताता है कि हमें यहाँ चारों तरफ बहुत से बड़े बड़े स्केलेटन मिले हैं, लेकिन फिर भी हम श्योर नहीं है कि इस जगह पर नीचे क्या है, क्योंकि यह चीज बहुत कठोर है। इसके बाद चेन क्वान से कॉन्टेक्ट करता है और बताता है कि हमें यहाँ एक्सप्लोजिव यूज करने पड़ेंगे, जिस पर क्वान कहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन काम जल्दी पूरा होना चाहिए। इसके बाद चेन यहाँ पर एक्सप्लोजिव ब्लास्ट करता है, लेकिन अब इनके सामने फिर से कोई कठोर चीज आ जाती है, जिसे देख सब हैरान होते हैं। फिर इसमें से दो वर्कर नीचे चेक करने जाते हैं, तभी अचानक से वह चीज यहाँ से भागने लगती है, जिससे देख सबकी हालत खराब हो जाती है। और फिर पता चलता है यह असल में एक जाइंट पाइथन है। अब इसे देखते ही सभी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पाइथन इनकी हरकत से गुस्से में आ गया होता है, इसलिए इन सभी को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद बाकी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक जाइंट डायनासोर भी आ जाता है और पाइथन के साथ इसकी फाइट होने लगती है। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ रिपोर्टर बता रहा होता है कि क्वान का ग्रुप नए आइलैंड पर एक एंशिएंट इकोलॉजिकल थीम पार्क बनाने जा रहा है, जिसकी उसने पूरी तैयारी भी कर ली है। इसके बाद हम केई नाम के लड़के को देखते हैं, जिसके बेडरूम में अचानक से कोई परछाई दिखाई देती है, और इसे देखते ही केई अपने पैर वाली मशीन को ठीक करता है और बाहर भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही वह नीचे गिर जाता है। फिर पता चलता है वह परछाई असल में इसकी मदर है, जो केई को डेंजरस सिचुएशन को हैंडल करने की ट्रेनिंग दे रही है। अब केई की मदर ट्रेवल का प्लान कैंसिल कर देती है, क्योंकि केई अभी अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है। यह सुनते ही केई बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ, लेकिन केई की मदर इसे खुद से ज्यादा प्यार करती है, इसलिए दोनों अगले दिन डेजर्ट आइलैंड पैराडाइज को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं, जिनके साथ में खुद क्वान और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं। तभी अचानक से पक्षियों का एक झुंड इनकी बस से टकरा जाता है, जिसे देख सब काफी डरने लगते हैं, लेकिन कंडक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी इसी बीच इनके बस की तरफ बड़े बड़े पत्थर आने लगते हैं। यह देख ड्राइवर सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान इनके बस का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सब बाहर आते हैं और बस को निकालने लगते हैं, लेकिन तभी केई को बाथरूम लग जाती है, जिसके बाद मिस्टर बेई इसे झाड़ी के पीछे लेकर जाता है और दोनों बाथरूम करने लगते हैं। फिर तभी अचानक से कोई क्रिएचर बेई के चेहरे को पकड़ लेता है और इसे अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद केई जब पीछे मुड़ता है, तब इसको बेई कहीं भी नजर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ इनके ग्रुप का एक ओल्ड मैन पत्थर पर एक ग्रीन लिपिड को देखता है और कहने लगता है हमें तुरंत ही इस जगह को छोड़ना होगा। तभी अचानक से क्रिएचर इनके एक और आदमी को खींच लेता है, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद क्रिएचर फिर से एक और आदमी को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बस के अंदर छुपने लगते हैं, जिसके दौरान क्रिएचर एक बार फिर से इन पर अटैक करने आता है, लेकिन इस बार किसी को कुछ नहीं होता। तभी केई की मदर को केई नजर नहीं आता और वह काफी परेशान होने लगती है। इसी बीच क्रिएचर इस पर अटैक करने आता है, लेकिन ओल्ड मैन इसको बचा लेता है। इधर केई अभी भी बेई को खोजने में लगा होता है, तभी क्रिएचर इस पर अटैक करता है, लेकिन केई खुद को बचा लेता है और अब अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। लेकिन केई ज्यादा समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकता था, इसलिए वह तुरंत यहाँ से भागने लगता है, लेकिन क्रिएचर भी यही होता है और इसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद केई किसी खोखले पेड़ के अंदर छुप जाता है और क्रिएचर अब इसे नहीं पकड़ पाता। फिर भी गुस्से में इस पर लगातार अटैक करने लगता है। इधर बस के पास अचानक से जाइंट पाइथन आ जाता है, जो पूरी बस को पकड़कर हवा में लटका देता है और अब सभी की हालत खराब होने लगती है। लेकिन तभी ओल्ड मैन पहचान जाता है कि यह असल में पेंगू पाइथन है। फिर पाइथन इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से इसे एक डायनासोर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद पाइथन इनको छोड़कर उसकी आवाज की तरफ जाने लगता है। अब इस बस के इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से सभी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। फिर कंडक्टर क्वान के ऊपर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि इसने सभी को बताया था यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर क्वान कहता है कंस्ट्रक्शन टीम से मेरी कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाई है। इसके बाद यह सब आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ फिर से हलचल होने लगती है, जिसके बाद यह सब फिर से छुपने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ अब एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर आ जाता है। इधर के ही खोखले तने से बाहर निकलता है, जहाँ से कुछ दूर जाने पर इसको बहुत बड़े अंडे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन तभी केई को यहाँ किसी के आने की आह
चिल्लाहट मिलता है जो इन अंडों को तोड़कर खा रहा है। अब केई चुपके से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसकी स्मार्ट वॉच आवाज करने लगती है, जिसके बाद डायनासोर को इसके बारे में पता चल जाता है और वह केई को मारने के लिए पीछा करने लगता है। यह देख केई खुद को बचाता है और फिर तुरंत टूटे हुए अंडे के अंदर छुप जाता है, लेकिन फिर भी डायनासोर इसे खोज लेता है। तभी अचानक से कोई इस डायनासोर को खाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि असल में यह जाइंट पाइथन है। अब इसे देखते ही केई की हालत खराब होने लगती है, लेकिन पाइथन इसे कुछ नहीं करता, जिसके बाद केई यहाँ से भाग जाता है। अब इधर डायनासोर बस के पास से चला जाता है और इनको पाइथन की आवाज सुनाई देने लगती है, जिस पर क्वान कहता है अभी भी एक चांस है। कंस्ट्रक्शन टीम ने माउंटेन टॉप पर एक सिग्नल स्टेशन बनाया था, जहाँ से सिग्नल भेजने पर हमारे लिए हेल्प आ सकती है। तभी केई की मदर कहने लगती है मुझे अभी अपने बेटे को खोजना है, जिस पर क्वान कहता है क्या तुम अपने बेटे के लिए इन सभी को मरते हुए देखना चाहती हो। यह सुनकर अब केई की मदर कुछ नहीं बोलती। वहीं क्वान बस कंडक्टर को एक कैमरा देता है और कहता है कि यह सब एक बेस्ट प्रोजेक्ट प्लान है, तुम्हें सारे सीन को शूट करना है, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। इधर केई की मदर केई को खोजने निकल जाती है, लेकिन अब ड्राइवर भी इसका साथ देने आ जाता है। तभी इनको झाड़ी के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है, लेकिन फिर पता चलता है कि असल में यह ओल्ड मैन और उसकी असिस्टेंट है। फिर ओल्ड मैन बताता है कि मैं प्रोजेक्ट सनहाई का चीफ कंसल्टेंट हूँ। इसके बाद सभी यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं केई एक जगह पर पहुँचता है जहाँ इसे एक डायनासोर का स्केलेटन दिखाई देता है, तभी होने से बच जाता है। अब केई इस अजीब से क्रिएचर को देख पूरी तरह हैरान हो जाता है। फिर यह क्रिएचर केई पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी पाइथन आकर इस क्रिएचर पर अटैक कर देता है। इसके बाद पाइथन केई के सामने आ जाता है, लेकिन वह इसे कुछ भी नहीं करता और अपने अंदर धंसे लकड़ी के टुकड़े को निकालने लगता है। यह देखते ही केई एक बवर लाता है। अब पाइथन भी समझ जाता है कि केई इसकी हेल्प करना चाहता है, जिसके बाद वह केई को लकड़ी के टुकड़े में बवर बांधने देता है और इसे खींचने पर लकड़ी का टुकड़ा बाहर आ जाता है। इसके बाद केई पाइथन से कहता है क्या तुम भी मेरी मॉम के जैसे ही कभी आग में जली हो, जिसके बाद पाइथन यहाँ से चला जाता है। इधर क्वान और उसके साथ वाले लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और इसे देख सब परेशान होने लगते हैं, क्योंकि यह लोग अब अपने लिए कोई भी हेल्प नहीं बुला सकते। तभी अचानक से यह जगह भयंकर तरीके से हिलने लगती है। अब इस नजारे से सभी लोग काफी डर जाते हैं, जिसके बाद इनके सामने एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर आ जाता है। लेकिन क्वान यहाँ से भागने की बजाय इस नजारे को कैमरे में शूट करने के लिए बोलता है। तभी अगले ही पल डायनासोर इन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ केई की मदर केई के लोकेशन को ट्रैक करते हुए जंगल के बीच आ जाती है। तभी ड्राइवर को इसके पीठ पर कुछ दिखाई देता है, जिसे देख ओल्ड मैन कहता है यह तो टायरेनो बडेला है। फिर ड्राइवर इसे लाइटर से जलाता है और इसको बाहर निकालता है। तभी अचानक से यहाँ एक डायनासोर आ जाता है, लेकिन उसी समय इसे कोई पावरफुल क्रिएचर पुकारने लगता है, जिसके बाद यह डायनासोर यहाँ से चला जाता है। फिर सुबह होने के बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके दौरान ओल्ड मैन बताता है कि असल में यह जगह ग्लेशियर से ढका हुआ था, जहाँ अंडरग्राउंड में बहुत से प्री हिस्टोरी क्रिएचर पड़े हुए थे, लेकिन अब किसी वजह से यह सब बाहर आ गए हैं। तभी इनके सामने पाइथन की केंचुली नजर आती है, जिसे देखते ही ओल्ड मैन समझ जाता है कि वह किसी चीज की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ केई जब आगे बढ़ रहा होता है, तभी इसको डायनासोर नजर आता है जो किसी क्रिएचर को मार कर खा रहा था। अब डायनासोर इसे देखने वाला ही होता है, लेकिन तभी इसकी मदर इसे बचा लेती है। वहीं ओल्ड मैन पहचान जाता है कि यह डायनासोर असल में इंडोमाइनस रेक्स है। फिर यह लोग अब यहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी डायनासोर यहाँ पर आ जाता है और ओल्ड मैन के ऊपर कूद करके यहाँ से चला जाता है। अब सभी को लगता है डायनासोर यहाँ से चला गया, लेकिन वह अभी यहीं पर होता है और इन पर अटैक करने लगता है। इसके बाद सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और डायनासोर लगातार इनका पीछा करने लगता है। इसी बीच डायनासोर केई और इसकी मदर को पकड़ने वाला होता है, लेकिन अब दोनों एक पहाड़ी के बीच चले जाते हैं, जहाँ पर डायनासोर का सिर फंस जाता है और वह इनका कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब केई के पैर में लगे सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तभी यहाँ पर एक और डायनासोर आ जाता है, जिसके बाद केई अपनी मदर के साथ इन दोनों के बीच बुरे तरीके से फंस जाता है। फिर डायनासोर जैसे ही इन पर अटैक करने आते हैं, पाइथन यहाँ आकर दोनों के साथ फाइट करने लगता है। अब केई इसे देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि पाइथन इसे बचाने के लिए फाइट कर रहा था। इसके बाद
बाद गेई की मदर अपने बेटे के साथ भागने लगती है, जिसके दौरान पाइथन डायनासोर के साथ फाइट करने लगता है और इनको डायनासोर के अटैक से बचाने लगता है। फिर मौका पाकर सब यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अब यहाँ और भी डायनासोर आने लगे थे। लेकिन इस बात से गेई खुश नहीं होता, क्योंकि अब पाइथन इतने बड़े खतरे में फंस चुका है, जबकि वह इसे अकेले छोड़कर यहाँ से भाग रहा है। फिर वह सभी से पाइथन की मदद करने की बात भी करता है, लेकिन सब डरे होते हैं और टावर की तरफ भागने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद सभी रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, जहां केई अपने मदर से कहता है, मैंने फिर से आपको खतरे में डाल दिया, क्या आपको डर नहीं लग रहा? इस पर उसकी मदर कहती है, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्हें खोने से लगता है। जिसे सुनते ही केई पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सब यहां से आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ देर में कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाते हैं, लेकिन यहां का सिग्नल टावर तो डैमेज हो चुका होता है। तभी ओल्ड मैन यहां एक और पेंगू पाइथन का स्केलेटन देखता है, लेकिन वह पहचान जाता है कि यह किसी नेचुरल तरीके से नहीं मरा है। यहां जरूर कोई दूसरा पावरफुल क्रिएचर होगा, क्योंकि पेंगू पाइथन और इंडोमाइनस रेक्स दोनों अपने अपने टेरिटरी पर राज करते हैं। लेकिन इंडोमाइनस रेक्स के अटैक ने इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है, जिसके बाद से दोनों के बीच लगातार जंग चलती रही है। लेकिन अब पेंगू पाइथन भी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में है। अगर यह सक्सेसफुल हो गया फिर कोई नहीं बता सकता दोनों में से कौन जीतेगा। लेकिन तभी क्वान केई को होस्टेज बना लेता है और कहने लगता है, अब कोई भी यहां से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर दूसरों को इस बारे में पता चल जाएगा फिर मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन तभी यहां पर डायनासोर आ जाता है। फिर मौका पाकर यह लोग केई को बचा लेते हैं और कार में भागने का प्लान बनाते हैं। वहीं अब डायनासोर क्वान को कुचल कर मार देता है। इसके बाद वह इन पर भी अटैक करने आता है, लेकिन इनकी कार ठीक समय पर स्टार्ट हो जाती है और यह लोग भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन डायनासोर फिर से इनका पीछा करने लगता है, जिसके दौरान इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद डायनासोर इन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन पेंगू पाइथन यहां आकर इस पर अटैक कर देता है और इसे जिंदा देख के काफी खुश हो जाता है। पेंगू पाइथन अब इंडोमाइनस रेक्स के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन बाद में वह डायनासोर के सामने कमजोर पड़ने लगता है। यह देख ओल्ड मैन कहता है कि पेंगू पाइथन अकेले उसका सामना नहीं कर सकता, हमें किसी तरीके से उसकी हेल्प करनी होगी। तभी इनको यहाँ पर कुछ एक्सप्लोजिव नजर आते हैं। इसके बाद केई की मदर इनको डायनासोर के पैर के पास ले जाती है। फिर ओल्ड मैन इनको ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब रिमोट बिल्कुल भी काम नहीं करती। यह देखते ही लेई एक मसाल लेकर एक्सप्लोजिव की तरफ जाने लगती है, लेकिन यह भी बीच रास्ते में ही जख्मी हो जाती है। यह देख अब केई खुद वहां जाने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से इसके पैर का सिस्टम खराब हो जाता है। यह देख सब केई को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन केई इनकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वह अपनी मदर को कुछ होने नहीं देना चाहता। इसके बाद केई अब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और मसाल को एक्सप्लोजिव के पास फेंक देता है, लेकिन इसके ब्लास्ट से खुद केई भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं अब पेंगू पाइथन को अटैक करने का चांस मिल जाता है और वह इंडोमाइनस रेक्स को मार गिराता है। इधर केई की मदर केई को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन केई होश में नहीं आता। तभी पेंगू पाइथन भी यहां पर आ जाता है और केई को ऐसे हालत में देख दुखी होता है। लेकिन फिर यह जैसे ही अपनी पावरफुल आवाज निकालता है, केई तुरंत होश में आ जाता है, जिसके बाद इसकी मदर काफी खुश हो जाती है और पेंगू पाइथन को जिंदा देख केई भी खुश हो जाता है। अब इस चीज के बारे में जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलता है, वह इस आइलैंड को पूरी तरह से सील कर देती है। इसके बाद केई और बाकी लोग अपने घर पर होते हैं और इसी के साथ स्नेक 3 मूवी एंड हो जाती है।